जो मारा काकीसा साध्वी जी भगवान ने वंदन करवाने गया, मैं बारे इंतजार करतो तो जो काकीसा बारे आया, मैं काकीसा ने हाथ जोड़ने कीधो, काकीसा मुजरोसा, काकीसा क्यों अरे गेमावत तू, मैं क्यों काकीसा मुंह, अरे बोल बेटा कोई तकलीफ, मेरे को काकीसा बहुत बड़ी तकलीफ है, बोल बेटा कोई तकलीफ, बोल तो सही, मैं क्यों आप भक्ति में रोज आओ, कैडी बात करे मैं रोज भक्ति में आऊ, मैं क्यों भक्ति में तो आओ लेकिन आप जावारी टाइम में कुछ विशेष काम करो, तो काकीसा के कोई करूं मैंने बतावे, मैं क्यों आप आवो बदे ही बोलवाना, पहला दो गीत पहला आप उबावो बराबर वो वहाती आप गोल गोल घूमो अन्नो राज कोई है वो मने ठानी पड़ी हो, आप मने बताओ, अरे गेमावत कैडी बात करे, हैंग बैठावे ने मैं उबी वो मन में मजो कुछ वारी से, हैंग उबावो मन हाथी उबो रेवानो मजो नहीं आवे, सब बैठावे ने मैं उबी वो मन में मजो कुछ और ही है, मु अनवास से उबी वो अत्रा मोटा मंडप में थारा काको सा कटे बेटा मने बैठा काकी सारा मंदिरी बात सुनो सा वही के अत्रा मोटा विशाल मंडप में थारा काको सा कटे बेटा मने कोई था अनवास से मैं उबी वो गोल गोल घूमू जो भी दिशा में थारा काको सा बैठा वे उन्होंने ठा पड़े के मैं भक्ति में आई थी ने अबे मैं चौरियो थारे आवनो तो थे पा आवजो हमें काकी साथे उबा भैया ने काको सा पाया तो मने कहजो मती हाँ, इस प्रकार उठ के मत जाना, इसका विशेष ध्यान दें, उतना काम है। लीजिए अब चलते हैं उस बहना को सुनने के लिए, और बहना को सुनने के बाद लीजिए उसके बाद बहुत जबरदस्त नृत्य आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, और भी बहुत संगीत हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि खजाना भर के लाए हैं, इतनी बड़ी अटैची भर के लाए हैं, क्योंकि हमारे पास समय तो बहुत कम दिया है। सुरेश भाई का जब फोन आया मैंने कहा कि हाँ दो दिन के लिए बुला रहे हो, कल बुलाओ पांच सात दिन के लिए मजा आ जाए, बोले एक बार आके तो देखो, दो दिन में ही मजा लेंगे, बाद में होगा, एक बार शुरुआत धीरे धीरे कर दिए, उसके बाद बहुत आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए बहुत हमें अच्छा लग रहा है आपके शहर में आने के बाद, खरे कर सबके चेहरे में बहुत खुशियां नजर आ रही है, ऐसी लाडली बहना अपने मन की बात कहें, उसके पहले हम भी एक दो लाइन का गीत हम सुना देते हैं, तो कहते दीक्षा लेवा जाए आ तो संयम बंधे जाए, आ प्रमिला देवी जाए दीक्षा लेवाने जाए, तो कहते हैं तिलोक चंद्रि लाडली दीक्षा ले माने जा, तिलोक चंद्रि लाडली दीक्षा ले माने जा, दीक्षा ले वजाय दीक्षा ले वजाय आत्म संयम बंधे जा, प्रमिला देवी तिलोक चंद्रि प्रमिला माता के जहाँ कविता कविता जहन होना हर कविता झूम झूम कर गाए आज ही गावे आज पर गोड़ा मा झूम झूम कर गावे तो आज गावे तो आज तिलक चंद्री तिलक चंद्री लाडली दीक्षा रे माने दीक्षा बुलबुल महावीर स्वामी भगवान की पधारे हुए तमाम भक्तों का
गुरु गणेश दरबार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। लीजिए अब हमारी लाडली बहन हमारे शहर की ये कविता के चली जाएगी। ये कविता सबके मन में अपने मन की उद्गार किस प्रकार ये लाडली बहना कहना चाहती हैं। लीजिए इंतजार की घड़ियां समाप्त, इंतजार कर रहे हैं आप और हम उस लाडली बहना को सुनने के लिए। आप और हम चलते हैं, आप और हम लाडली बहना की और कविता। रुणवार रिश्ते नाते बदल जाएंगे, आज के दिन आप और हम कविता कहते हैं लेकिन कल पूरा व्यवहार बदल जाएगा। सारा व्यवहार बदल जाएंगे, रिश्ते नाते बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लीजिए लाडली बहना अपने मन धन्यवाद। लीजिए हमारी लाडली बहना बुद्धिमान है, गणेश गुरु का जीवन प्रतीक समान है, ऐसे ज्ञानियों की सभा में उपस्थित माता पिताओं को मेरा प्रणाम है, परम आदरणीय परम श्रद्धेय मिथ्यात्व से संकित की ओर बढ़ाने वाले मेरे आस्था के आया पूज्य गुरुदेव गुरुनी जी महाराज और आचार्य सम्राट के चरणों में शत शत वंदन। मेरे आराध्य देवर मन मंदिर के देवता जीवन के शिल्पकार पूज्य बड़े महाराज एवं आदि थाना के चरणों में शत शत वंदन। गणेश दरबार में उपस्थित मेरे भाइयों वालों रोमांस विषय ने क्या सबके चेहरे दर्शा दिया है, बहुत बार सोचती थी कि कब मैं संसार से छुटकारा पाकर सहयोग रत्न को पाऊंगी, मन में संसार के प्रति एक अजब सी खटक होती थी। आज थोड़े ही देर के बाद वह स्वर्णिम घड़िया मेरे जीवन में आने वाली है। उस घड़ियों के लिए सबसे पहले तो उपकारी है मेरे माता पिता जिन्होंने अपने गुरु और गुरुनिशा का जिन्होंने इस जीवन को वैराग्य की ओर बढ़ाया। आज का यह स्वागत यह अभिनंदन मेरा नहीं, यह तो गुरु भगवान का है। दीक्षा यानी दिशा, जीवन की दिशा को बदलना, अंधकार से प्रकाश की ओर, भोग से योग की ओर, वासना से उपाय है जिससे हम मोक्ष मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। कल मेरी दीक्षा होने वाली है, मैं लोहा त्रिसंघ से यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों से यही चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि यह संयमी जीवन में मुझे जो उपसर्ग आएंगे जो 22 परीक्षा मैं संभाव से सहन कर सकूं। आपके नाम लोहा त्रिसंघ को रुणवार परिवार के नाम को चार चांद लगा सकूं, यह आपको आशीर्वाद देना है। आज वक्त समय के हिसाब से आप सभी इनका सुनना चाहेंगे क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बहुत बार सुनाया है और अब सुनाना भी है, इसीलिए आज मैं यह सोच रही हूँ कि मैं आपका थोड़ा कम वक्त लेकर मैं खुद भी इसे सुनना चाहती हूँ। इसीलिए अंत में मैं यही कहूँगी कि संयम ही जीवन है यदि कोई जीना जाने, संयम ही अमृत है यदि कोई पीना जाने, संयम ही श्री धागा है यदि कोई सीना जाने, संयम ही ऊंची मंजिल है यदि कोई चलना जाने। और कहा है कि कल मेरी दीक्षा है, आप सबको आना है। अरे कुछ बोलते रहो मजा आएगा। कल मेरी दीक्षा मेरी नहीं है भाई, हाँ कविता के लिए हम कह रहे हैं कि कल मेरी दीक्षा है, आप सबको आना है, लेकिन किस प्रकार आना है। इन्होंने तो अपने मन की बात कही, आपको कल दीक्षा में आना है, तो हम संगीत हुए कहते हैं किस प्रकार आना है, सुनो हमारी बात। तो कहते हैं हमारी ये जिस दिन से गुरुवरिया इस लोणासन में पधारी हैं, रोज भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। तो कहते हैं अरे लोणा नगर कैसा सुहाना, लोणा नगर कैसा सुहाना, यहाँ रोज भक्तों का आना जाना, यहाँ रोज भक्तों का आना जाना, अरे लोणा शहर कैसा सुहाना, अरे लोणा शहर कैसा सुहाना, यहाँ रोज
क्यों 100 में से 110 नंबर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। फिर से सबको बोलना हमारे साथ, कहते हैं अंतर में ज्योति जगाना, सबके सबके दुख दूर। बोलो बोलो भाई बोलो, क्या बात है, भगाना, बहुत अच्छा बात, थोड़ा थोड़े बोलते रहो मजा आएगा। तो कहते हैं सबके दुख दूर भगाना, नैया मेरी पारे लगाना, एक कल कल जितना मौसम में सबको है आना, ना चलेगा कोई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या बात, एक बार फिर से कोई। और आज ऐसी भावना भाव, अपने दोनों हाथ जरा ऊपर कर दिए ऐसे, हाँ हाँ सुनो हमारी बात, जरा अपने दोनों हाथ गुरु वर्या के सामने कर लीजिए। आज आज ये लोना शहर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना लग रहा है, और आपके शहर की तारीफ बॉम्बे वाला आके करे और आप ऐसे बैठे, जरा ताली से अनुमोदन करते रहो, हाँ जरा हाथ खोल दीजिए, मजा आएगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो भाग्यशाली परमात्मा की भक्ति में ताली बजाकर जोड़ते हैं अपने दोनों हाथ, उस भाग्यशाली को मिलते हैं तीन लोग के नाथ। और जिनको तीन लोग के नाथ की आवश्यकता है तो जरूर थोड़े थोड़े झूम दे देना, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कैसे झूमेगा, हाँ जरा आपने काल भी टमाटर की तरह लाल हो गए हैं, सब झूम रहे हैं, सब बात देंगे, और जो आशीर्वाद मिल गया तो आपके हाथ में सुगंध आएगी, सुगंध आए तो समझना आपको आशीर्वाद मिल गया, और नहीं आए तो थोड़ी मेहनत करने की और जरूरत है, क्योंकि कष्ट सहन से ही बनता है मानव या महान। तो सबको हमारे साथ झूमना, तो कहते हैं जीनो जीनो उड़े रे गुलाल लोनार शहर में है, जीनो जीनो उड़े रे ऊपर वालों, क्या क्या बात है, कदाच आपकी दुकान में जमा की जगह नामे लिख दिया जाएगा, कदाच हमारी बहनों के घर के हिसाब में 10 रुपए भिंडी की जगह 15 रुपया लिख दी जाएगी, लेकिन परमात्मा के दरबार में हिसाब की ऊपर वालों रंगे रे हिसाब, और माया रे है नंगे रे हिसाब, ऊपर वालों रंगे रे हिसाब, और माया रे है नंगे रे हिसाब, भुल्ले 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 चाले थारी नाव, और माया रे है नंगे रे हिसाब, भुल्ले भुल्ले चाले थारी नाव, माया रे है नंगे रे हिसाब, धर ले धर मर काम, और माया रे है नंगे रे हिसाब,
हेलो क्या बात है तारीख साथ देते ना भाई मजा आएगा I'm gonna die.